हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है और वो नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं। प्लीज़ एंजल बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है और वो क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं। थैंक यू, बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो पहला कार्ड निकल कर आया है डियर फ्रेंड्स, वो है चैरियट का। तो आपके जो भी पर्सन हैं उनकी जो करंट फीलिंग है अभी, वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं और उनको काफ़ी विजडम मिल चुकी है अपने इस रिश्ते के लिए। गॉड और एंजल्स उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार उनको आपकी याद दिलाती हैं, जैसे कहीं भी निकलते होंगे गाड़ी से तो आपका कहीं नाम दिख जाता होगा लिखा हुआ, या कुछ ऐसी मेमोरी किसी के साथ घट जाती होगी जो अनायास ही आपका ध्यान उनको आ जाता होगा। और ये जो ब्लैक एंड वाइट हॉर्स हैं, ये आप दोनों की एनर्जी को बता रहे हैं कि आप दोनों इन और यंग की एनर्जी में हैं और आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी संजीदा हो चुके हैं, बस कैसे भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एक कार्ड और चाहिए मुझे उनकी करंट एनर्जी के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इसके बाद हम उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी ऐसे मोमेंट का जिसमें वो आपको अप्रोच कर सकें। सोच रहे हैं कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए फ्यूचर में जिससे कि उनको आपके पास आने का मौका मिले या उनको आपको मैसेज सेंड करने का मौका मिले, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जो आपको काफ़ी हर्ट कर चुका है और आपने शायद उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं टेलीपैथी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरीके से आपके सामने आएं, क्या मुंह लेकर आपके सामने आएं, ऐसी उनकी सोच है। एक कार्ड मैंने मांगा था बट दो निकल कर आए हैं एक साथ, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। आपके पर्सन में काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है इस रिलेशनशिप को लेकर। उनको ये फील होने लगा है कि आप दोनों का रिश्ता शिव और शक्ति का है और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हैं, काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर एनर्जी में आ चुके हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहले जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आ रही हैं कि क्यों डिवाइन ने आपको उनसे मिलाया है, क्यों सारी चीज़ें हुई। एक एक कर वो सभी पॉइंट्स को जोड़ते जा रहे हैं और तब उनको समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता तो डिवाइनली गाइडेड है, एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब उनको काफ़ी विजडम मिल चुकी है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। तो थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आई थिंक कोई कार्ड निकल कर आया है इसमें एक, हाँ आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से कनेक्शन हो रहा है उनका, मैनिफेस्टेशन उनका काफ़ी पावरफुल है और उनका पूरा का पूरा फोकस जो है आप पर ही है, इसीलिए आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिश कर रहे हैं।
खट्टी मीठी सभी बातें, सभी यादें उनको याद आ रही हैं। उनको ये अच्छे से पता है कि जो आप हो वो कोई भी नहीं हो सकता। यू आर द वन एंड ओनली। मैंने 3 कार्ड मांगे थे बट 4 हैं, तो फिर हम ले लेते हैं। दूसरा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं इस रिश्ते के लिए, काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, उनको स्टेबिलिटी मिल चुकी है और अच्छी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। उनको पता है कि मुझे इसी रिश्ते में जाना है और नेक्स्ट मूव यही होगा उनका आपके लिए कि वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और अपने दिल को खोल के रखेंगे आपके सामने। एस ऑफ सोर्ट्स न्यू बिगनिंग को बता रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस थे पास्ट के, वो सब कट आउट होंगे, सारी निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप से ख़त्म होगी। दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होगी, एक न्यू विज़न मिलेगा दोनों को इस रिश्ते के लिए। आपको भी समझ में आया, आ जाएगा कि ये बंदा मेरे लिए बहुत लॉयल है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि हैप्पीनेस आएगी इस रिश्ते में और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के बीच में, और इस न्यू साइकिल में आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा एक दूसरे के लिए, आप वो फीलिंग रखेंगे जो किसी और के लिए नहीं हो पाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके पर्सन के लिए, और उनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जल्द ही अप्रोच करेंगे। आपके साथ जो रिलेशनशिप बनेगा उसमें दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी, सारी नेगेटिविटी को कट करेंगे और आप दोनों के रिश्ते में न्यू हैपनिंग होगी, न्यू हैप्पीनेस आएगी और एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये था आप और आपके पर्सन के लिए आज का मैसेज। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।